हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, लेट्स टॉक। दिस इज कुंचन शाह। सो 12th टॉपिक इज पुट योर लाइब्रेरीज ऑन व्हील्स। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर मोटिवेटिंग योर सेल्फ टूडे लाइज इन द वे यू यूज योर ड्राइव टाइम। जब आप गाड़ी चलाते हो या ऑन द रोड पे हो, तब भी आप मोटिवेट रहने का आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। There is no longer any excuse for time in the car to be downtime or frustrating or time that is not motivating. अब आप excuse नहीं दे सकते कि भाई आप कार में हो तो फिर वो हमारा निष्क्रिय टाइम है और ये फ्रस्ट्रेटिंग टाइम है, ये टाइम पास हो सकता है। लेकिन विद द ह्यूज वेराइटी ऑफ ऑडियो टेप्स एंड सी डीज नाउ अवेलेबल, यू कैन यूज your time on the road to educate and motivate yourself at the same time. आप गाड़ी में भी CDs या audio tapes का यूज करके आप motivate हो सकते हो, अपने आप को educate कर सकते हो। When we use our time in the car to simplify listen to hip hop and or to curse traffic, we are undermining our own frame of mind. When we use our time, अगर हम अगर हमारा जो टाइम है ट्रैवलिंग टाइम के समय, अगर हम हिप हॉप या ट्रैफिक की आवाज हम सुन कि में हम अगर टाइम वेस्ट करते हैं, तो हम अपर जो हमारा जो माइंड है उसको हम अंडरमाइंड करते हैं, क्या यानी नबड़ा करते हैं। Moreover, by listening to tablet type news programs for too long period of time, we actually get distorted view of life. हम जो न्यूज प्रोग्राम आते हैं, न्यूज पेपर आते हैं, अगर हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर हम सुनते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली जो लाइफ को देखने का नजर है वो हमको डिस्टोर्ट करते हैं, डिस्टोर्ट विकृत करते हैं, विकृत हो जाता है। एक्चुअली न्यूज प्रोग्राम्स टूडे हैव वन गोल टू शॉक और सैडन द लिसनर। एक्चुअली जो न्यूज प्रोग्राम होते हैं उसका एक ही गोल होता है कि जो पीपल है उसको शॉक करे। एक्चुअल न्यूज है वो कोई दिखाई नहीं, हमको प्रिंट नहीं करता है। जो न्यूज हमको शॉक करते है वही वो प्रिंट करता है। द मोस्ट वल्गर एंड हॉरिफिक स्टोरीज अराउंड द स्टेट and nations are searched for and found. The most vulgar and horrific means जो भयानक स्टोरी होती है और वो जो वल्गर होती है वो ये जो न्यूज वाले होते हैं वो ढूंढते हैं और वो न्यूज में छापते हैं। आई एक्सपीरियंस दिस फर्स्ट हैंड व्हेन आई वर्कड फॉर डेली न्यूज पेपर। मैंने एक्सपीरियंस किया था फर्स्ट टाइम व्हेन I worked for the daily newspaper. I saw how panicked the city desk got if there were no murders and rapes that day. I saw, मैंने देखा था कि कैसे वो पैनिक हो गए थे। जो सिटी डेस्क होता है वो वहाँ पे लोग सब पैनिक हो गए थे कि भाई कोई मर्डर नहीं है या कोई रेप नहीं है on that day. I watched as they told through the wire stories to see if a news item from another state could be gruesome enough to save the front page. मैंने देखा कि भाई वो जो लोग हैं वो स्टोरीज जो होती है वो ढूंढते हैं और एंड इफ न्यूज आइटम फ्रॉम अनदर स्टेट मीन्स दूसरे स्टेट से वो स्टोरीज ढूंढते हैं कि वो इन ग्रूसम इनफ टू सेव द फ्रंट पेज। फ्रंट पेज होते हैं उसमें भयानक स्टोरी दिखनी चाहिए, वैसा वो थ्रू द वायर स्टोरीज अलग अलग स्टोरीज से वो ढूंढते थे। इफ देर इज नॉट ड्राउनिंग, अगर कोई डूबता नहीं है मीन्स कोई नेगेटिव स्टोरीज नहीं है, दे विल रिलक्टेंटली गो विथ नियर ड्राउनिंग। So they reluctantly means निराशा के साथ वो उसके नजीक में जो कोई drowning है
वहां पे वो जाते हैं, दे विल रिलक्टेंटली गो विथ अ नियर ड्राउनिंग, देर इज नथिंग रॉन्ग विथ दिस, इट्स नॉट इमोरल और अनएथिकल, इट्स फीड्स द पब्लिक्स हंगर फॉर बैड न्यूज, इट्स एग्जैक्टली वॉट पीपल वॉन्ट, सो इफ सो इन अ वे इट इज सर्विस। अगर कोई नेगेटिव स्टोरीज नहीं है, इफ देर इज नॉट ड्राउनिंग, अगर कोई नेगेटिव स्टोरीज नहीं है तो वो एक निराशा के साथ नजीक के आसपास जाते हैं कोई नेगेटिव स्टोरीज ढूंढने के लिए। एक्चुअली देर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस, इसमें कोई बुरा नहीं है, इट्स नॉट इमोर्टल और अनएथिकल, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इमोर्टल मीन्स कि अनैतिक नहीं है। इट फीड्स द पीपल्स हंगर फॉर बैड न्यूज, वो जो पीपल एक्चुअली बैड न्यूज ही चाहते हैं, और वो जो न्यूज़पेपर लोग हैं वो बैड न्यूज उसको सर्व करते हैं। सो इट्स एग्जैक्टली व्हाट पीपल वांट, सो इन अ वे इट इज सर्विस। सो न्यूज़पेपर वाले जो होते हैं वो जो पीपल बैड न्यूज चाहते हैं वही उसको सर्व करके देते हैं। बट इट रिचेस इट्स मोस्ट डैमेजिंग प्रोपोर्शंस व्हेन द एवरेज लिसनर टू अ कार रेडियो बिलीव्स दैट ऑल दिस बैड न्यूज इज ट्रू एंड फेयर रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। बट अगर एक नॉर्मल इंसान होता है, अगर वो कोई रेडियो सुनता है तो उस पर वो बैड इफेक्ट करता है, उसको वो डैमेज करता है, और वो ऐसा मानने लगता है कि भाई ये जो बैड न्यूज है वो सब सही है, और वो जो दुनिया में हो रहा है वही वो ये सब दिखा रहे हैं। बट इट्स नॉट, ऐसा नहीं है। इट इज डिलिबरेटली सिलेक्टेड टू स्पाइस अप द ब्रॉडकास्ट एंड कीप पीपल लिसनिंग। एक्चुअली वो जानबूझ के ये सब सिलेक्ट करते हैं और ब्रॉडकास्ट को स्पाइस अप करते हैं, मीन्स वो मसालेदार बनाते हैं, एंड कीप पीपल लिसनिंग, और पीपल को लिसन करने के लिए, विचार के ज्यादा वो पीपल लिसन करें। इट इज डिजाइन टू हॉरिफाई, इट इज डिजाइन टू हॉरिफाई बिकॉज हॉरिफाइड पीपल आर रिविटेड ऑडियंस, वो फिक्स ऑडियंस होता है, जो हॉरिफाइड पीपल होते हैं वो ज्यादा सुनते हैं। एंड एडवर्टाइजर लाइक दिस दैट वे, एंड जो एडवर्टाइजर होते हैं उसको इस तरीका अच्छा लगता है। द मीडिया हैव ऑल्सो फाउंड वेज टू एक्सटेंड द स्टोरीज दैट आर ट्रूली हॉरिबल सो दैट वी डोंट हियर देम जस्ट वंस। एंड मीडिया वाले जो होते हैं उसने एक तरीका भी खोज लिया है कि वे स्टोरीज को कैसे हॉरिबल बनाए। एंड वी डोंट हियर देम जस्ट वन, और हम ये एक बार नहीं सुनते। इफ प्लेन गोज, फॉर एग्जाम्पल, इफ प्लेन गोज डाउन वी कैन लिसन ऑल वीक्स लॉन्ग एज इन्वेस्टिगेटर पिक थ्रू द व्रिकेज एंड फैमिली मेंबर्स वीप बिफोर माइक्रोफोन। फॉर एग्जाम्पल जो प्लेन है वो अगर गिर जाता है तो जो वो जो न्यूज है वो हम पूरे वीक सुनते हैं। लाइक इन्वेस्टर जो इन्वेस्टिगेटर जो होता है, इन्वेस्टिगेटर पिक थ्रू द व्रिकेज, वो भंगार में से भंगार सिलेक्ट करता है, सम कुछ चीजें सिलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। एंड फैमिली मेंबर्स माइक्रोफोन के आगे रोते हैं। अ वीक लेटर प्लेइंग द लास्ट वर्ड ऑफ पायलट्स फाउंड इन द ब्लैक बॉक्स। एंड एक वीक के बाद वो जो पायलट्स का लास्ट वर्ड भी वो सुनाते हैं, जो ब्लैक बॉक्स में जो मिलता है वो लास्ट वर्ड भी सुनाते हैं। ऑन द एयर एक्सटेंड द स्टोरी फर्दर, एंड फिर वो स्टोरी खींचते ही जाते हैं, खींचते ही जाते हैं। इन द मीन टाइम व्हाइल वी आर ग्लूड टू आवर न्यू स्टेशन, एयर सेफ्टी इज बेटर देन एवर बिफोर। व्हाइल वी आर ग्लूड टू आवर न्यू स्टेशन, हम जो न्यू स्टेशन के अगर के साथ हम अगर हम बैठे हुए हैं तो वहां उसके उसके दौरान जो एयर सेफ्टी है वो बेटर ही है। आई मीन
पहले जो एएसएपी थी उससे बेटर अभी की एएसएपी है। एएसएपी इज बेटर देन एवर बिफोर। जो हाल की जो एएसएपी है वो बेटर है पहले से। लिटरली मिलियंस ऑफ प्लेन्स आर टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग विदाउट इंसिडेंट। अभी जितने भी प्लेन्स होते हैं वो टेक ऑफ करते हैं और लैंडिंग करते हैं विदाउट एनी कोई दुर्घटना से, विदाउट एनी इंसिडेंट्स, राइट। डेथ पर पैसेंजर्स माइल आर डिक्रीजिंग एवरी ईयर एज टेक्नोलॉजी फॉर सेफ फ्लाइट इम्प्रूव। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है फ्लाइट की, वैसे वो डेथ पर पैसेंजर भी डिक्रीज होते हैं। बट इज दैट न्यूज? बट ये न्यूज होता है? नहीं होता है, राइट। एंड बिकॉज माई सेमिनार शेड्यूल रिक्वायर्स दैट आई ट्रैवल अ लॉट बाई एयर। मेरे जो सेमिनार्स के जो लोग हैं उसको ये ज्यादा चाहिए, बिकॉज मेरे जो सेमिनार है वो बहुत हमको ट्रैवल करना पड़ता है बाई एयर। आई कैन सी अप क्लोज वॉट सो कॉल्ड न्यूज हैज डन टू अवर साइकी। मैं क्लोजली देख सकता हूँ कि भाई न्यूज ने और जो साइकी है, हमारे जो माइंड है, उस पर क्या इफेक्ट किया है। सिंपल टर्बुलेंस टर्बुलेंस इन द एयर विल कॉज माय फेलो पैसेंजर्स आईज टू एनलार्ज। थोड़ी के भी कुछ नॉइज होता है, टर्बुलेंस मीन्स कोई एयर में कोई नॉइज होता है, तो मेरे जो फेलो पैसेंजर, मेरे एक साथी पैसेंजर है, उसकी आईज बड़ी हो जाती है एंड देयर हैंड्स टू ग्रिप देयर आर्म सेट इन टेरर। और उसके जो हाथ है वो दोनों अपने जो सीट चेयर होती है, चेयर के ऊपर जो हाथ रखने की जगह होती है वो एकदम से पकड़ लेते हैं और वरीज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं इन टेरर। द नेगेटिव प्रोग्रामिंग ऑफ अवर माइंड्स हैज हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन अस। जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो रखी है हमारे माइंड की, उसने वेरी इम्पैक्ट डाला है हमारे माइंड पे। इफ वी वुड बी मोर सिलेक्टिव विथ हाउ वी प्रोग्राम अवर माइंड व्हाइल वी आर ड्राइविंग, वी कुड हैव सम एक्साइटिंग ब्रेक थ्रूज इन टू इम्पोर्टेंट एरियाज, नॉलेज एंड मोटिवेशन। अगर हम ये सब नहीं सुनते हैं और हम सिलेक्टेड प्रोग्राम ही सुनते हैं, तो वो दो एरियाज पे हमको ग्रो करती है, और एक नॉलेज पे हमारा बढ़ता है और हमको मोटिवेशन भी मिलता है। अगर जो हम ये न्यूज़ चैनल नहीं देखते हैं तो देर आर नाउ हंड्रेड्स ऑफ ऑडियो बुक सीरीज ऑन सेल्फ मोटिवेशन, ऑन हाउ टू यूज द ऑन हाउ टू यूज द इंटरनेट, ऑन हेल्थ, ऑन गोल सेटिंग, ऑन ऑल यूजफुल सब्जेक्ट्स दैट वी यू नीड टू थिंक अबाउट इफ वी आर गोइंग टू ग्रो। लॉट्स ऑफ न्यूज बुक्स इंटरनेट पे अवेलेबल है ऑन सेल्फ मोटिवेशन, कैसे हो, हाउ टू यूज इंटरनेट, कैसे हम यूज करें, हेल्थ कैसे इंप्रूव करें, गोल सेट कैसे करें, अदर यूजफुल सब्जेक्ट के लिए वी नीड टू थिंक अबाउट। हमको ये सब चीजें सुननी चाहिए अगर हमको ग्रो करना है तो। इफ वी आर गोइंग टू ग्रो, एज एमर्सन वन सेड, वी बिकम वॉट वी थिंक अबाउट ऑल डे लॉन्ग। पूरा दिन में हम जो भी सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। आई फर्स्ट हर्ड दैट सेंटेंस एयर अगो व्हाइल ड्राइविंग इन माई कार लिसनिंग टू ऑल नाइटिंगेल ऑडियो प्रोग्राम। और नाइटिंगेल एक ऑथर है, उसका ऑडियो प्रोग्राम जब मैं सुनता था तब मैंने ये सेंटेंस को एक साल पहले सुना था जब मैं अपनी ड्राइव कार को ड्राइव कर रहा था। इफ वी लिव व्हाट वी थिंक अबाउट टू चांस और टू टेबलेट रेडियो स्टेशन, देन वी लॉस अ लार्ज मेजर ऑफ कंट्रोल ओवर अवर ओन माइंड। अगर हम ये न्यूज स्टेशन जो होते हैं अगर उसको ही हम सुने सुनेंगे और सब नेगेटिव थिंग्स हम सुनते ही रहेंगे पूरा दिन, तो हम अपने माइंड का कंट्रोल खो देंगे।
वी लॉस अ लार्ज मेजर मेजर ऑफ कंट्रोल ओवर ओवर आवर ओन माइंड्स. मेनी पीपल टूडे ड्राइव अ ग्रेट डील ऑफ द टाइम. बहुत लोगों के पास टूडे ड्राइव अ ग्रेट डील ऑफ द टाइम मीन्स पूरा समय वो ड्राइव करते रहते हैं. विथ मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल ऑडियो बुक्स इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट ड्राइवर्स कैन रिसीव द इक्विवेलेंट ऑफ अ फुल सेमिस्टर इन कॉलेज विथ 3 मंथ्स वर्थ ऑफ ड्राइविंग. विथ मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल ऑडियो बुक्स जो ऑडियो बुक्स होती है उसके साथ इट हैज बीन एस्टिमेटेड ये नक्की हो गया है कि भी डेट ड्राइवर कैन रिसीव द इक्विवेलेंट ऑफ फुल सेमिस्टर इन कॉलेज विथ 3 मंथ्स. 3 साल का जो कॉलेज सेमिस्टर होता है उसके इक्विवेलेंट ड्राइवर कैन रिसीव वो सीख सकते हैं वर्थ ऑफ ड्राइविंग. ड्राइविंग के साथ साथ मोस्ट लाइब्रेरीज हैव लार्ज सेक्शन डिवोटेड टू ऑडियो बुक्स एंड ऑल द बेस्ट एंड ऑल द करंट ऑडियो बुक्स आर नाउ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट बुक सेलर साइट्स. सभी जो अच्छी अच्छी बुक होती है वो अब ऑडियो बुक अवेलेबल है इंटरनेट पे है. आर ऑल मोटिवेशनल प्रोग्राम्स इफेक्टिव? नो. सम माइट नॉट मूव यू एट ऑल. सम माइट नॉट मूव यू एट ऑल. दैट्स वाई इट्स गुड टू रीड द कस्टमर रिव्यूज बिफोर बाइंग एन ऑडियो प्रोग्राम ओवर द इंटरनेट. बट देर हैव बीन सो मेनी टाइम्स वेन अ ग्रेट मोटिवेशनल ऑडियोज प्लेड इन माई कार हैज हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन माई फ्रेम ऑफ माइंड एंड माई एबिलिटी टू लिव एंड वर्क विथ इंथुजियाजम. परंतु देर हैव बीन सो मेनी टाइम्स कितनी बार हुआ है कि जितने भी मोटिवेशनल ऑडियो है वो प्लेड आई प्लेड इन माई कार हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन माई फ्रेम ऑफ माइंड. उन लोगों सभी ऑडियो टेप ने मैंने जब प्ले किया था तब उसने पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है मेरे माइंड पे एंड माई एबिलिटी टू लिव एंड वर्क विथ इंथुजियाज्म. मुझे अच्छा जीने के लिए और उत्साह के साथ काम करने के लिए उन लोगों ने मुझे काबिल बनाया है. वन मोमेंट स्टैंड्स आउट इन माई मेमोरी अबाउ ऑल अदर्स ऑल्दो देर हैव बीन हंड्रेड्स. एक्चुअली बहुत ज्यादा मेमोरीज मेरे पास है लेकिन उसके ऊपर एक मुझे याद है कि आई वॉज ड्राइविंग इन माई कार वन डे लिसनिंग टू वेन डायर्स क्लासिकल म्यूजिक ऑडियो सीरीज. एक बार में एक वेन डायर एक ऑथर है मोटिवेशनल ऑथर है उसके मैं क्लासिकल ऑडियो सीरीज सुन रहा था. उसका नाम था चूजिंग योर ओन ग्रेटनेस. एट द एंड ऑफ द लॉन्ग मूविंग आर्ग्यूमेंट फॉर नॉट मेकिंग आवर हैप्पीनेस डिपेंड ऑन सम मटेरियल ऑब्जेक्ट हैंगिंग आउट देयर इन अवर फ्यूचर. तो भविष्य में कोई चीज हमको मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है कोई भी वो चीज है भविष्य हम जो देख रहे हैं उस चीज पे हमको हमारी खुशी डिपेंड नहीं करनी चाहिए. डायर सेड देर इज नो वे टू हैप्पीनेस हैप्पीनेस इज द वे. एक कोई खुशी जो है वो डेस्टिनेशन नहीं है लेकिन जो हमारी जर्नी है वही खुशी है. देर इज नो वे टू हैप्पीनेस. हैप्पीनेस के लिए कोई कोई रास्ता नहीं है कि भाई हम ये रास्ते चलेंगे तो हैप्पीनेस मिलेगा लेकिन हैप्पीनेस इज द वे. अगर हम खुश हैप्पीनेस मीन्स खुश रहते ही हमको आगे बढ़ना है. दैट वन थॉट एज्ड इटसेल्फ इन टू माई माइंड एंड दैट मोमेंट एंड नेवर लेफ्ट इट. दैट वन थॉट जो ये जो है कि देर इज नो वे टू हैप्पीनेस हैप्पीनेस इज द वे ये जो थॉट है वो मेरे माइंड में पिक कर गया है एज्ड इटसेल्फ इन माय माइंड. मेरे माइंड में होगा उसने जगह बना ली है. एट दैट मोमेंट
वो मेरे माइंड से निकलता ही नहीं है। इट इज नॉट एन ओरिजिनल थॉट बट डायर्स जेंटल प्रेजेंटेशन। ये एक ओरिजिनल नहीं है, मिस डायर डायर डायर्स ने नहीं बोला है, लेकिन उसने एक अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है। सो फिल्ड विथ सीरीन जॉय एंड सो एफर्टलेसली स्पोकन चेंज मी इन इन द वे दैट नो एंशिएंट वॉल्यूम ऑफ विजडम एवर कुड हैव। वो इतनी जेंटल प्रेजेंट किया डायर ने, इसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया सीरीन जॉय। सो फिल्ड विथ सीरीन जॉय एंड सो एफर्टलेसली स्पोकन, एक एफर्टलेसली उसने बोला, और एकदम शांत जॉय मीन्स शांत, सीरीन जॉय मीन्स शांत, शांत आनंद से और बिना प्रयास के लिए, बिना प्रयास से उसने ऐसा शांति से बोला, तो इट चेंज्ड मी, उसकी लाइफ को चेंज कर दिया इन द वे दैट नो एंशिएंट वॉल्यूम ऑफ विजडम। जो पुरानी जो बुक्स होती है और बड़ी बड़ी जो सिखाती है वो बुक्स भी नहीं कर पाई, वैसा एक डायर के प्रेजेंटेशन से ये हो गया एफर्टलेसली, जैसे उसने बोला वैसे। डेट्स द वन ऑफ द पावर्स ऑफ द ऑडियो बुक फॉर्म ऑफ लर्निंग। इट सिम्युलेट्स एन एक्सट्रीमली इंटीमेट वन ऑन वन एक्सपीरियंस। इट सिम्युलेट, वो ऐसा अनुकरण करती है कि हमको वन टू वन ही उसने बोला हो ऐसा हमको लगता है। वेन डायर, मेरिने विलियमसन, कोरोलिन मिस, बारबरा शेर, टॉम पीटर्स, नाथिनल ब्रेंडन, अर्ल नाइटिंगेल, एलन वॉट्स एंड एंथनी रॉबिन्स आर जस्ट अ फ्यू मोटिवेटर्स हु स्टेप्स हैव चेंज्ड माय लाइफ। यू विल फाइंड योर ओन फेवरेट्स। यू डोंट हैव टू फाइंड टाइम टू गो रीड एट लाइब्रेरी, फॉरगेट द लाइब्रेरी। यू आर ऑलरेडी ड्रिवन ड्राइविंग इट वन। लाइब्रेरी अब इस जमाने में आप लाइब्रेरी जाके रीड करना पॉसिबल ही नहीं है, आप अपने साथ ही आप पूरी लाइब्रेरी आप चलाते हो। तो अच्छी अच्छी चीजें आप सुनो, मोटिवेशनल रहो, और वो अपने माइंड पे अपने साइकी पे अच्छा असर करेगी। न्यूज वो न्यूज चैनल्स में आप पूरा टाइम इन्वेस्ट मत करो। थैंक यू वेरी मच।